स्टार्ट स्टडिंग विद प्रणव राज और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 12:30 हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 8 आज बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे होंगे जो कि है 8x + 3 = 27 + 2x। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 8x है अब 8x माइनस 2x और 27 माइनस 3 जो कि हमारा आ जाएगा 6x 24 और x का वैल्यू हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर जो कि है 5x प्लस 7 2x माइनस 8। ठीक है, सो इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 5x माइनस 2x अब 7 माइनस में चल जाएगा, सो माइनस 7 माइनस 8 ये हमारा हो जाएगा 3x और ये हमारा हो जाएगा 50 माइनस 15। ठीक है, सो x का वैल्यू हमारा यहाँ पे आ रहा है माइनस 5। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में x का वैल्यू आया था 4 प्लस 4 और हमारा सेकंड क्वेश्चन में x का वैल्यू आया है माइनस 5। नाउ मैं इन दोनों को फटाक से डिस्कस करता हूँ, मिलता है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के साथ। ठीक है, तो जैसे कि बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देख पा रहे होंगे, 3 है हमारा 2z माइनस 1 14 माइनस z। ठीक है, सो 3 पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, सो 3 हमारा 2z माइनस 1 को उधर भेजेंगे माइनस z की तरफ प्लस 14 प्लस 1 हो जाएगा, ये तो ये 3z 4x - 2 - 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 9x - 4x और 5 को हम लोग इधर सेट कर देंगे। ओके, सो ये हमारा आ जाएगा 5x = 5 जो कि हमारा आ रहा है x का वैल्यू -1। सो हमारा 3 नंबर का आंसर है मतलब वो z का वैल्यू है +5 और 4 नंबर का आंसर मतलब x का वैल्यू है -1। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आ रहा होगा। अब नाउ मैं इसको फटाक से रिस करता हूँ, मिलता आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ। ठीक है, सो जैसे कि बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो कि है हमारा 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 = 0। तो हम लोग सिंपली यहाँ क्या करेंगे, 15y - 16 - 2y + 9 + 5y + 30 = 0। यहाँ पे क्या हुआ, 15y, ये हमारा 15y - 2y + 5y, जितना भी प्लस वाला है इधर आ जाएगा 16 प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये 30, ये प्लस 0, ठीक है 15, ये तो हमारा हो जाएगा 15 + 2 + 5 हमारा आ जाएगा 18y, ये हमारा 16 - 18 - 30 + 0 हमारा आ जाएगा 12 और ये इधर y 12y 18 6 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3
नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन मेरी टेज आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, जो कि है 3 5x-7, दूसरा माइनस, सॉरी ये इस क्वेश्चन का -2 9x-11 -13 -7, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इधर साइड ला और मतलब जो जो साइड से इसे एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, उसका फिर शिफ्टिंग करेंगे। 3 5 15x-21 -18x+22 अब 8 4 32x-52 -17 सो ये हमारा आ जाएगा 15x-18x -3 अब ये हमारा आ जाएगा +1 ठीक है, ये -3x हमारा, ओके। और 32x और 32x ही रहेगा और बाकी +69 हो जाएगा हमारा। तो 32x-3x=69-1 तो ये हमारा आ जाएगा 29x, ये हो जाएगा 68, ठीक है। x 68 बाई 29 जो कि 21
पूछा होता है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का में x का वैल्यू आ रहा है 2, या फिर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा 2 आ रहा है, या फिर कह सकते हैं x का वैल्यू हमारा 2 आ रहा है, ठीक है।